हाय, आज मैं फिर से एक बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है मीटबॉल स्पेगेटी। एकदम देसी तरीके से बनाऊंगी, मेरे तरीके से बनाऊंगी, सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी। तो चलो मेरे किचन पे और मैं बनाऊंगी मीटबॉल स्पेगेटी। मीटबॉल स्पेगेटी बनाने के लिए मैंने ले लिया ये हक्का नूडल, क्योंकि स्पेगेटी हमेशा अवेलेबल नहीं होता। इजी तरीके से बनाने के लिए ये नूडल्स मैंने ले लिया, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। और चाहिए हमें चिकन की कीमा, मैंने चिकन की कीमा लिया। आप मटन की कीमा भी यूज़ कर सकते हो, बट चिकन की कीमा बहुत जल्दी पक जाता है, पकाने में भी आसान रहता है। तो सबसे पहले मैं चिकन कीमा को मैरिनेट करूंगी। इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्ब 4 चम्मच, 1 चम्मच मस्टर्ड सॉस, 3 चम्मच मिल्क, 1 अंडा, फिर मैं डालूंगी 3-4 कली लहसुन की बारीक चॉप करके, 1/2 ऑनियन को भी बारीक चॉप करके, छोटा टुकड़ा जिंजर की बारीक चॉप करके डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता भी डालूंगी बारीक चॉप करके, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, 3 चम्मच भर के चेडर चीज डाला मैंने। इसमें पार्मेजानो चीज जाता है, मेरे पास चेडर चीज था तो मैंने चेडर चीज को ऐसा ग्रेट करके डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स। अब इन सबको मिक्स करूंगी हाथ से। तो मिक्स कर लिया। आपको अगर जल्दी जल्दी है तो आप तुरंत ही इसको गोल गोल बॉल बना सकते हो, बट मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट करने के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं इसके गोल गोल बॉल बनाऊंगी। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया। 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी उसमें, ताकि नूडल्स एकदम खिले खिले रहे, चिपक ना जाए। और खूब सारा उसमें नमक भी डाल दूंगी 2 चम्मच भर के, ताकि नूडल्स में अच्छे से नमक भी हो जाए। नमक डालने के बाद मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी। तो नूडल्स बॉईल होने के बाद मैंने सारा पानी छान के इसको ठंडा कर लिया। इसको भी मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं मीट बॉल बनाती हूँ। 10 मिनट हो चुका है, चिकन कीमा मसाले के साथ अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो मीडियम पोर्शन लेके मैं गोल गोल बॉल बनाऊंगी। आप चाहो तो इसको छोटे छोटे पोर्शन में भी कर सकते हो, या इससे भी बड़ा कर सकते हो। तो मैं एक मीडियम साइज के करूंगी। तो ऐसे सेम साइज के मैं सारे बॉल बनाऊंगी। तो एक एक करके सारे मीट बॉल मैंने बना लिया। अब इनको मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए बटर ले लिया मैंने 4 चम्मच। पहले बटर को मैं अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। तो बटर मेल्ट हो चुका है, अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे एक एक करके मीट बॉल मैं इसमें फ्राई करने के लिए डालूंगी। डीप फ्राई नहीं करना है हमें मीट बॉल को। तो पलट पलट के हल्के हाथों से फ्राई करेंगे हम सारे मीट बॉल को। मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के हल्के हाथों से फ्राई कर लिया मीट बॉल को 6-7 मिनट से। ऐसे ही पलट पलट के घुमा घुमा के फ्राई करना होता है। तो ऐसे ही फ्राई कर लिया मैंने। अब मैं एक एक करके उतार लेती हूँ प्लेट पे। तो सारे मीट बॉल्स मैंने फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन करके। तो उसी कढ़ाई में मैंने और 1 चम्मच बटर ऐड कर दिया। बटर मेल्ट होते ही मैं उसमें डाल दूंगी चॉप गार्लिक, ये 5-6 लहसुन की कली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, और 2 ग्रीन चिली, और थोड़ा सा अदरक को भी बारीक बारीक काट लिया। ये सब डालूंगी और मिक्स करूंगी फ्राई होने के लिए। और इसमें तुरंत मैं डाल दूंगी 1 मीडियम साइज के ऑनियन को भी चॉप करके, मिक्स कर दूंगी फ्राई होने के लिए, जब तक ऑनियन का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक फ्राई करूंगी। तो प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, हल्का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर की पेस्ट। 3 टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया और मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं भी इसमें डालूंगी
हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ चम्मच नमक, ये है मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार, हाफ चम्मच व्हाइट विनेगर, दो चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूंगी। दो तीन मिनट पकाया मैंने अच्छे से, उबाल भी आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मीट बॉल। मीट बॉल डाल के मिक्स कर दिया ग्रेवी के साथ अच्छे से। अब मैं इसको 5-6 मिनट पकने दूंगी। तो 5-6 मिनट से मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दिया और अच्छे से पक भी चुका है मीट बॉल मेरे सारे। अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल किया हुआ नूडल्स। और मैं अभी मिक्स कर दूंगी मीट बॉल्स के साथ और ये ग्रेवीज के साथ नूडल्स को। तो मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर से डालूंगी ये चेडर चीज जो मैंने ग्रेट कर लिया। आपके पास अगर पार्मिजानो हो तो आप वही यूज करना। और फिर ऊपर से डालूंगी फ्रेश धनिया पत्ता और मिक्स करूंगी। मिक्स करके अच्छे से फिर मैं गैस बंद करूंगी और प्लेटिंग करूंगी। ये बन गया है मेरा मीट बॉल स्पेगेटी, एकदम इजी और सिंपल तरीके से बनाया। और गार्निशिंग किया मैंने चेडर चीज जो मैंने ग्रेट करके लिया था उसी से और थोड़ा हरा धनिया से। तो एकदम सिंपल और इजी तरीके से बनाया। जो भी आपके हाथ के सामने किचन में अवेलेबल है उसी से बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल और इजी तरीके से बनाना आप भी। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।